स्टूडेंट स्टूडेंट आज हमारी जो उर्दू इन पेज की क्लास है उसमें हम सारे मेन्यूज़ को जो है डिफ़ाइन करेंगे। पूरे जो मेन्यूज़ हमारे इन पेज में मौजूद हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू, फॉर्मेट, इंसर्ट मेन्यू, सिंबल मेन्यू, यूटिलिटीज़, लैंग्वेज मेन्यू, विंडो और हेल्प मेन्यू, इन सबको हम देखेंगे एक एक करके कि हम क्या क्या चीज़ें इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मेन्यूज़ आप आधे तकरीबन 80 या 70% जो है मेन्यूज़ आप कमांड्स में देख चुके हैं, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं जो नेसेसरी हमारी कमांड्स हैं वो हम देखेंगे। जो हमारी अननेसेसरी कमांड है, जो हमारे यूज़ नहीं होती, उनको हम स्किप करेंगे। तो चलते हैं हम अपने इन पेज पे और देखते हैं आज के हम इसको किस तरह से करेंगे। यहाँ पर अभी मेरे पास एक ब्लैंक फाइल है, मैं एक सैम्पल में से कुछ टेक्स्ट ले लेती हूँ ताकि मेरे पास कुछ टैक्स आ जाए और काम करने में आसानी हो। यहाँ पर ये ले लिया, विंडो में जाके ये देखिए स्टूडेंट, ये अभी हम आगे सीखेंगे। अभी यहाँ पर इस फाइल पे आ गए हम और हमने यहाँ पर ले लिया, ये हमारे पास टैक्स आ गया कुछ। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम चलते हैं फाइल मेन्यू में। फाइल में न्यू, आपको पता है एक नई फाइल खुल जाती है, ओपन से सेव हुई फाइल खुलते हैं, क्लोज से क्लोज जाती है। सेव से हम सेव करते हैं और सेव ऐसे उसी फाइल को दूसरे नाम में सेव करते हैं, ये आपको पता है। कलेक्ट फॉर आउटपुट, यहाँ हमारे पास इसकी पूरी जो है इंस्टॉलेशन नहीं है तो इसलिए नहीं कर सकते हैं। कलेक्ट फॉर आउटपुट बेसिकली यूज़ होता है कि आप पूरा पैकेज यहाँ पर करना चाहते हैं, यानी कि जब आप अपनी फाइल सेव करते हैं, फ़र्ज़ करें आपने 10 पेज का एक जो है मैगज़ीन बनाया है, उस मैगज़ीन में आपने इमेजेस भी यूज़ किए, उस मैगज़ीन में आपने मुख्तलिफ फॉन्ट भी यूज़ किए, नूरी इलास्टिक किया है, असर किया है, नायाब किया है, सुरखाब किया है, ये तमाम फॉन्ट्स आपने यूज़ किए हैं। अब आप जब कलेक्ट फॉर आउटपुट करेंगे तो ये कलेक्ट फॉर आउटपुट जो है एक फोल्डर बनाएगा, आपका एक पैकेज बनाएगा, उस पैकेज के अंदर अलग अलग जो है वो चीज़ें रखेगा। अगर मैं यहाँ पर इसको ए करके नाम दूँ यहाँ पर और सेव करूँ, तो देखिए यहाँ पर जो है इसमें आपका, अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और देखूँ यहाँ पर डाउनलोड में शायद न्यू फोल्डर में ये है, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए आपके यहाँ पर इसने जो है आपका इस तरह से ये करिए, लेकिन यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ है इसमें, इसकी पूरी इंस्टॉलेशन नहीं है तो पूरा फोल्डर नहीं बनाया इसने, सिंपल एक फ़ाइल बना के आपको दे दिए। तो ये जो है ये आप इन डिज़ाइन में देखते हैं कि इन डिज़ाइन में किस तरह से ये पूरा पैकेज बनता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर तो ये चीज़ है, प्लेस से आप यहाँ पर पिक्चर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी पिक्चर आप लाएंगे वो प्लेस से आप जो है प्लेस कर सकते हैं यहाँ, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है इसलिए कि वो पिक्चर फिर मूव नहीं हो सकती, लेकिन ये है कि आपके यहाँ पर मौजूद होती है। अगर यहाँ पर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से कोई पिक्चर ले लूँ तो ये पिक्चर मैंने यहाँ पर प्लेस कर ली। अब देखिए यहाँ पर कि ये पिक्चर आपकी पूरी इस तरह से प्लेस हो गई है और आप इस तरह से इसको बस रख सकते हैं, इसको इस तरह से देख सकते हैं और इसको छोटा बड़ा करेंगे तो ये कट जाएगी पिक्चर। वैसे जो आप इसमें लेते हैं अपने फ्रेम में तो आपकी पिक्चर जो है वो छोटी बड़ी भी हो सकती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपको पता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट से टेक्स्ट फाइल इंपोर्ट होती है, एक्सपोर्ट को छोड़ दीजिए। एक्सपोर्ट पेज आपको पता है, एक्सपोर्ट पेज से आप गिफ्ट बनाते हैं। प्रिंट से आप जो है पीडीएफ या निकालते हो, प्रिंटर लगाओ तो प्रिंट भी कर सकते हैं। एग्जिट एग्जिट से आप बाहर निकल जाते हैं और ये रिसेंट फाइल हैं जो कि आपकी जिन पर काम किया आपने, किसी भी फाइल को आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। एडिट में आ जाते हैं, एडिट में आपका कट कॉपी पेस्ट आपको पता है, कट आपको पता है, अंडू आपको पता है, कट आपको पता है, कॉपी आपको पता है, पेज स्पेशल है करना नहीं, पेस्ट आपको पता है, डुप्लीकेट। अगर कोई भी चीज़ है यहाँ पर, फ़र्ज़ करें कि ये चीज़ मैंने रखी है, कोई भी चीज़ हो यहाँ पर, ज़रूरी नहीं है आप ये चीज़ लें, आप कोई भी चीज़ ये है इसकी डुप्लीकेट बनानी है कितनी डुप्लीकेट बनानी है 4 रो 2 कॉलम, ये देखिए, चाहे टेक्स्ट बॉक्स हो, चाहे रेक्टेंगल हो, कुछ भी हो, आप इस तरह से डुप्लीकेट बना सकते हैं। यहाँ पर ये डुप्लीकेट आपकी इस तरह से बन जाएगी, क्लियर करेंगे क्लियर हो जाएगा, सेलेक्ट ऑल सारा सेलेक्ट हो, फाइंड रिप्लेस की जरूरत नहीं पड़ती,
सेंड टू बैक और बिंग टू फ्रंट आपका आगे पीछे आने के लिए, और सेंड टू बैक आप जो है वो पॉलीगॉन में जो है वो देख चुके हैं। लॉक गाइड, गाइड्स यहाँ पर ये हैं, अगर आप इनको लॉक करना चाहें वो करना चाहें तो ये अभी लॉक ही है, ठीक है ना। यहाँ पर ये गाइड्स हैं जो कि लॉक और अनलॉक आप कर सकते हैं, ठीक है ना। लॉक गाइड्स करेंगे तो लॉक हो जाएंगे ये, अभी ये लॉक नहीं है, ये देखिए यहाँ पर ये मूव हो रही है, लेकिन जब आप लॉक करेंगे तो ये लॉक हो जाएंगे, अब ये मूव नहीं कर सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका लॉक गाइड्स, और ये स्टोरी बोर्ड आपको पता है हैंड जब आप लेंगे यहाँ पर आपको बहुत सारी टाइपिंग करनी है, F2 प्रेस कर देंगे आप फंक्शन की तो ये आ जाएगा स्टोरी बोर्ड। जब बहुत सारी टाइपिंग करना हो तो हम जो है स्टोरी बोर्ड को यूज़ करते हैं, और स्टोरी बोर्ड को यूज़ करते हुए हम काम करते हैं, और इसकी फंक्शन की F2 है, कीबोर्ड से दबाएंगे आप तो ये आ जाएगा, ठीक है। डिलीट पेज, इंसर्ट पेज, डिलीट पेज करना मैं आपको बता चुकी हूँ, प्रीफ्रेंसेज में भी मैं आपको जो है कीबोर्ड प्रीफ्रेंसेज बता चुकी हूँ, डॉक्यूमेंट में बता चुकी हूँ, डॉक्यूमेंट में आप यहाँ से जो है ना वो ले सकते हैं, और प्रीफ्रेंसेज में आप जो है यहाँ पर स्टोरी एडिटर को फॉन्ट वगैरह आप उसका सेट कर सकते हैं जाके डिफ़ॉल्ट वाला, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये हो गया आपका, इसके बाद व्यू में आते हैं, व्यू में फिट टू विंडो पे वे 50%, ये आपको पता है, ये रिबिन बार है, हाइड करना हो टूल्स हाइड करने हो कभी शो करने हो तो यहाँ से आप जो है टूल्स को शो हाइड कर सकते हैं, गाइड्स को हाइड कर सकते हैं, गाइड को शो कर सकते हैं, ये जो है शो इनविजिबल, आप इनविजिबल जहाँ जहाँ एंटर यूज़ हुआ है, स्पेस यूज़ हुआ है वो आप यूज़ कर सकते हैं, कभी आ रहा हो तो हाइड यहाँ से होगा। स्नैप टू गाइड का मतलब है गाइड से अटैच होकर हर चीज़ बनेगी, तो आपका चेक लगा होगा तो गाइड से अटैच होकर हर चीज़ डिज़ाइन होगी। फॉर्मेट पे आ जाते हैं जनाब, फॉर्मेट में कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स भी देखिए यही है कि फॉन्ट्स वगैरह आपको यहाँ से अगर करने हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से मैंने लिया और मैं यहाँ आ गई फॉर्मेट में, कैरेक्टर में आके मैंने यहाँ से इसको 18 ले लिया, यहाँ से ये कि वही काम जो आप वहाँ से करते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। पैराग्राफ में भी, ये पैराग्राफ में लेफ्ट राइट सेंटर वगैरह आपको करना हो यहाँ से तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, बाकी चीज़ें हमें नहीं करनी। हाइफिनेशन यहाँ काम करनी है, बॉर्डर में आ जाते हैं, बॉर्डर में यहाँ पर अब बॉर्डर के लिए आपके पास एंटर का होना लाजमी है, एंटर होगा तो बॉर्डर नज़र आएगा वरना बॉर्डर नज़र नहीं आएगा, पहले बता रही हूँ, ठीक है ना। एंटर से ही आपका बॉर्डर आता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिया इसको और यहाँ पर मैं आ गई, आने के बाद मैंने यहाँ पर किया बॉर्डर, बॉर्डर में मैंने दिया, यहाँ पर बॉर्डर में दो चीज़ें हैं, अबव और बिलो और स्टाइल्स। अबव में मैंने दे दिया इंडेंट, इंडेंट का मतलब है पूरा यहाँ से और यहाँ तक रूलर आपका पूरा, और टेक्स्ट में जो है जितना सेलेक्ट किया उतने पे आएगा, मैं इंडेंट कर रही हूँ, इंडेंट में स्टाइल दे रही हूँ इसको, स्टाइल मैंने ये दे दिया, थिकनेस मैंने इतनी दे दी, फोरग्राउंड ये दे दिया, बैकग्राउंड ये दे दिया, ओके। और बिलो में मैंने जो है इसको इंडेंट दे दिया, स्टाइल मैंने इसका ये रखा, कलर मैंने इसको ये दे दिया, बस ओके और ओके। ये देखिए स्टूडेंट आपके सामने ये ब्लू है और यहाँ पर ये, अब आपने ये देख लिया एक्चुअल में, ये देखिए ये ब्लू और यहाँ पर ये रहा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पर बॉर्डर भी दे सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं जनाब टैब्स, टैब्स आपको पूरा समझा चुकी हूँ मैं, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, टैब का आपका जो है वो हो चुका है। टैक्स रैप आपका वही है कि रैपिंग होती है आपकी, हटा देंगे तो हटेगा। सॉर्ट आपका टेबल के लिए कर सकते हैं, टेबल ऑलरेडी आप देख चुके हैं। रन अराउंड भी आपको पता है, रन अराउंड आपके चारों तरफ वही रैपिंग करने के लिए। डॉक्यूमेंट में वो आपको बता दिया है, डॉक्यूमेंट में यहाँ से जाके आप चेंज कर सकते हैं, इसको लैंडस्केप कर सकते हैं और पोर्ट्रेट से लैंडस्केप हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ये काम कर सकते हैं, सही है। अच्छा जनाब आप यहाँ पर और क्या है, गाइड्स, आप यहाँ से गाइड्स जो है वो खुद से बनाना चाहें बेकार है, यहाँ पर से कोई फ़ायदा नहीं है आपकी गाइड्स ऑटोमेटिकली। स्टाइल शीट अभी बताती हूँ, डिफाइन कलर्स में बता चुकी हूँ। स्टाइल शीट में मैं कुछ स्टाइल देना चाह रही हूँ, ठीक है ना, स्टाइल शीट बनाना चाह रही हूँ, मैं एक नया स्टाइल बनाना चाह रही हूँ, मैं जो हूँ न्यू करूँगी यहाँ पर आके और इसको न्यू स्टाइल दे दूँगी, न्यू स्टाइल 1, ठीक है। आप पूरा टाइप कर सकते हैं नाम आपको जो भी है, स्टाइल में शीट में आ गए। अब यहाँ पर कैरेक्टर मुझे कितने देने हैं, इसमें स्टाइल शीट में मुझे कैरेक्टर 18 देना है यानी इसका साइज, और कलर जो है मैंने ब्लू देना है, ठीक है,
और यहाँ से सिंगल लाइन इसको देनी है। ओके, एक चीज़ ये कर दी मैंने। दूसरा मैंने बॉर्डर देना है, बॉर्डर बॉटम देना है मैंने, इंडेंट में स्टाइल मैंने बॉर्डर का ये रखना है, और कलर मैंने बॉर्डर का ये रखना है। ठीक है, ओके, ये मैंने स्टाइल दे दिया, ये मैंने और तो कुछ नहीं, हाई फिनिशन वगैरह मुझे नहीं देनी। ओके कर दिया मैंने। अब देखिए अप्लाई स्टाइल यहाँ कर रही हूँ, सिलेक्शन है ना, ये देखिए अप्लाई हो गया स्टाइल, सही है, यहाँ पर अप्लाई करना है। यहाँ पर लिया स्टाइल शीट में गए हम, NS1 अप्लाई कर दिया, ये देखिए। ठीक है, ये आ गया आपका। अगर इस पर नहीं अप्लाई करना, फॉर्मेट स्टाइल शीट नॉर्मल, ये देखिए पूरा हो जाएगा क्योंकि एंटर यूज़ नहीं हुआ ना। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गई हमारी स्टाइल शीट, आपने देख ली। डिफाइन कलर ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। इंसर्ट में पेज इंसर्ट करना, पेज नंबर इंसर्ट करना, टाइटल बॉक्स में, ये सब स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ। डेट एंड टाइम लाना आपका, डेट एंड टाइम आपका जो है यहाँ पर अभी आता नहीं है, लेकिन डेट एंड टाइम में ये होता है कि आप इंसर्ट करते हैं तो डेट और टाइम आपका यहाँ आ जाता है। ठीक है, टेबल हो रहा है, स्प्लिट टेबल हो गया, इंडेक्स, और ये हमें करना नहीं। सिंबल में आपको जो भी सिंबल चाहिए ये आ जाएगा, और जो भी सिंबल यहाँ पर चाहिए ये आ जाएगा। ठीक है, बाकी सिंबल आपको ऑल्ट के साथ बताया है, वो आपको वीडियो में मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपकी जो है यहाँ पर हो जाएगी, जो कि सिंबल मैं आपको अगर यहाँ पर मैं बताऊँ, फेनोटिक, ये देखिए यहाँ पर आपको बता ही देती हूँ मैं, ऑल्ट 0149 अगर मैं करती हूँ यहाँ पर, कहाँ गया इन पे, इसको ज़रा मैं एक्चुअल 200 कर लूँ, ऑल्ट 0149, ये कीपैड में चाहेगा, ठीक है ना, ऑल्ट 0148 ये आएगा, ऑल्ट 0147 ये आ जाएगा, ठीक है ना, इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा, और यहाँ पर आपका क्या है, ऑल्ट 0150 इससे ये आएगा, ऑल्ट 0150 ये देखिए डैश आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी चीज़ ये है कि आपकी दूसरी चीज़ भी दी हुई है यहाँ पर, दूसरी चीज़ में आपका यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो दिया हुआ है चेक का मार्क 0252 यानी 0252, लेकिन विंगडीज का फोन सेट करना होगा। देखिए अब यहाँ पर अगर मैंने किया ऑल्ट 0252, सही है, ये आ रहा है, इसको आप क्या करेंगे, विंगडिंग्स फॉन्ट सेट करेंगे यहाँ पर जाके, उर्दू में तो नहीं है, इंग्लिश में है, डब्ल्यू ये देखिए आ गया, सही है। और यहाँ पर अगर मैं लूँ 0251 ऑल्ट 0251 ये देखिए, ठीक है, क्योंकि विंगडिंग के फॉन्ट सेट हुए हैं इसलिए ये आपका आ रहा है। ये हो गया जनाब आपका, यहाँ पर हमने सिंबल भी देख लिए है कि सिंबल हमारे जो यहाँ दिए हुए वो कितना, ऑल्ट 1 करेंगे प्लस ऑल्ट 2 करेंगे ये, लेकिन ये हमारे इंपॉर्टेंट है जो हमें यूज़ करना आना चाहिए क्योंकि आगे इनकी ज़रूरत पड़ेगी आपको टाइपिंग वगैरह में। यहाँ जाते हैं जनाब, अब आपका जो है ये सिंबल हो गया, यूटिलिटी में स्पेलिंग वर्ड काउंट आपका जो है ये आपको बता रहा है इतने वर्ड इतने आपके काउंट पैराग्राफ इतने, ये स्पेलिंग यहाँ पर है नहीं, जाहिर सी बात है स्पेलिंग आपकी उर्दू की है। ऑटो इंडेक्स जनरेट टेबल कंटेंट हमें करना नहीं, लैंग्वेज आपको पता है और उर्दू टू इंग्लिश और इंग्लिश टू उर्दू, और यही आप कंट्रोल स्पेस करते हैं। ठीक है, ये मैंने कर दिया, यहाँ पर ये आ गई, यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर लेते हैं ये आ गई, और यहाँ पर आप लेते हैं टोगल ये आ गया, ठीक है ना, ये विंगडिंग आ रहा है, विंगडिंग्स को आपको सेट करना होगा जनाब। ये ठीक है ना, यहाँ पर ये कर दिया, तो ये हो गई आपकी
इसके बाद आपका विंडो आ जाते हैं लैंग्वेज में, ये विंडो में कैस्केड, ये कैस्केड स्टाइल आ गया एक के बाद एक, टाइल ये टाइल वाइज आ गया, क्लोज ऑल तमाम बंद हो जाएगा, ये क्लोज ऑल तमाम बंद कर देंगे, अभी हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर रिबिन बार पे अगर चले जाएँ, देखिए रिबिन बार ये है आपका, रिबिन बार ये आपका पेज ये आ गया यहाँ नीचे, ये देखिए पेज है ठीक है। और आपका जो है यहाँ पर जनाब व्यू, व्यू आपका ये 200% ठीक है, रिबिन बार पे यहाँ आएगा, फ़ॉन्ट पे पेज पे यहाँ आएगा, पेज व्यू पे और जूम पे यहाँ आएगा आपका ठीक है ना, यानी व्यू पे। और जो फाइलें आपके खुली हैं बंद हुई हैं वो यहाँ से आप ले सकते हैं जितनी भी फाइलें, और हेल्प में से हेल्प ले सकते हैं, अभी हेल्प आएगी नहीं क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट पे जाएगा, चाहे तो आप इंटरनेट से हेल्प लें चाहे तो यहाँ से ले लेंगे, हेल्प खुल जाएगा। तो स्टूडेंट आपके ये सारे पैरियड हो गए, इसमें जो ज़रूरी चीज़ें थी वो भी मैंने बता दी आपको, इंटरफेस आपको स्टार्टिंग में बताया जाता है इंट्रोडक्शन में, वो तमाम चीज़ें हो गई हैं, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। और अब आप काम इसको अच्छे से सारे मेन्यूज़ को यूज़ करते हुए अपने असाइनमेंट्स अच्छे से बना लेंगे। थैंक यू।